प्यारे विद्यार्थियों, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से मैं डॉक्टर विनासपति तिवारी, प्रवक्ता गणित, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के ऑनलाइन टीचिंग कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 11 के विषय गणित अध्याय 10 सरल रेखाएं अर्थात स्ट्रेट लाइंस के प्रथम भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपने हाई स्कूल में ज्यामिति के बारे में बहुत सारी जानकारियां जुटाई होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। हम उन कॉन्सेप्ट्स में से कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपको पहले बताने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला चीज़ है एक्स अक्ष, वाई अक्ष और मूल बिंदु। देखिए, आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में कि दो सीधी रेखाएँ यानी सरल रेखाएँ जो एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाती हों, उसमें से इस क्षैतिज रेखा को हम लोग एक्स अक्ष कहे थे, ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग वाई अक्ष कहे थे। साथ ही आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जहाँ ये दोनों अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं उनको कहा जाता था मूल बिंदु ओ। इसके बाद आपको बताया गया होगा कि एक्स अक्ष की इधर की दिशा प्लस होती थी, लेफ्ट वाली दिशा माइनस होती थी, ऊपर की दिशा वाई का प्लस दिशा होता था, मूल बिंदु के नीचे की दिशा वाई की निगेटिव दिशा होती थी। साथ ही आपने भी पढ़ा होगा कि प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके बाद आपने बिंदु के निर्देशांक के बारे में पढ़ा होगा यानी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, इसके बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी लिया होगा। जैसे कहीं लिखा हो 2,5 तो आपको बताया गया होगा कि इसमें जो पहला पार्ट है वो एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा पार्ट जो है वाई रिप्रेजेंट कर रहा है। दो कहाँ है तो एक्स अक्ष के धन दिशा में दो इकाई की दूरी, सपोज करिए ये 1 ये 2। उसके बाद वाई की वैल्यू लिखा है 5, प्लस 5 है, इसका मतलब वाई के धनात्मक दिशा में 5 इकाई दूरी, तो कितना 1, 2, 3, 4, 5, यही पॉइंट है 2,5 जिसके बारे में आप लोगों ने विस्तृत रूप से सीखा होगा। अगली बात, पहले चतुर्थांश में आप ध्यान देखेंगे x और y दोनों धनात्मक था, तो अगर हम कोई बिंदु इसमें लिखेंगे तो वो हमेशा प्लस कामा प्लस के रूप में आएगा। द्वितीय चतुर्थांश में चलें तो आप देखेंगे x ऋण दिख रहा है, y प्लस दिख रहा है, इसका मतलब अगर द्वितीय चतुर्थांश में कोई बिंदु लिखेंगे, उसका निर्देशांक लिखेंगे तो किस टाइप का दिखाई देगा, माइनस कामा प्लस, मतलब x कोऑर्डिनेट ऋण होगा और y कोऑर्डिनेट धन होगा, प्लस होगा। अगर तीसरे चतुर्थांश में चलें तो देखेंगे x ऋण दिख रहा है, y भी ऋण दिख रहा है, यानी तीसरे चतुर्थांश के जो बिंदु होंगे वो होंगे किस प्रकार के, माइनस कामा माइनस प्रकार के होंगे, यानी x कोऑर्डिनेट ऋण होगा, y कोऑर्डिनेट भी ऋण होगा। साथ ही अगर चौथे कोऑर्डिनेट में हम चलें तो आप देखेंगे x प्लस दिख रहा है, y माइनस दिख रहा है, तो इसके पॉइंट किस रूप में होंगे, प्लस कामा माइनस प्रकार के होंगे। तो इन सारी बातों को आपने पढ़ लिया है, साथ ही हम कुछ और चीज़ें आपको जोड़ना चाहते हैं जिसको आपने हाई स्कूल में पढ़ लिया है। इसमें पहला नाम है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। हम यहाँ दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने जा रहे हैं। दो बिंदु किस रूप में है, निर्देशांक रूप में है, यानी दोनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए रहेंगे। सपोज करिए कि एक पॉइंट है पी एक्स वन वाई वन, दूसरा पॉइंट है क्यू एक्स टू वाई टू। आपसे पूछा जाए कि बीच की दूरी बताइए यानी पी क्यू बताइए, तो पी क्यू कैसे बताएंगे, पी क्यू बराबर अंडर रूट एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर।
एक बात का बच्चों आप ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको x अक्ष y अक्ष नहीं दिखाया गया। तो क्या x अक्ष y अक्ष नहीं है? गलत, x अक्ष y अक्ष है, उसको यहाँ शो नहीं किया गया। अगर ये बिंदु पी एक्स वन वाई वन और क्यू एक्स टू वाई टू लिखा गया है, निर्देशांक रूप में लिखा गया है, इसका मतलब ये हुआ कि निर्देशांक अक्ष एक्स अक्ष वाई अक्ष जरूर होंगे। यहाँ पे एक्स अक्ष वाई अक्ष दिखाया नहीं गया है, लेकिन एक्स अक्ष वाई अक्ष है। जहाँ कहीं भी किसी बिंदु का निर्देशांक लिखा है, वहाँ पे एक्स अक्ष वाई अक्ष मूल बिंदु हैं। आपने उसको प्रदर्शित किया है कि प्रदर्शित नहीं किया है, ये बात की बात है। आप चाहें तो ऐसे ही आप बना लें और पहले क्वाड्रेंट में आप इसको दिखा लें। अब x1 y1 x2 y2 का मान धन और ऋण होगा, उसी हिसाब से पॉइंट अपने अपने चतुर्थांश में सेट हो जाएंगे। इस पर एक उदाहरण लेते हैं, बिंदु 5.3 और 4.1 के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखिए बच्चों, यहाँ एक्स वाई दोनों प्लस है, यहाँ 4 और 1 देखिए दोनों प्लस हैं। इसका मतलब ये दोनों बिंदु किस चतुर्थांश में हैं? ये दोनों बिंदु फर्स्ट चतुर्थांश में हैं, पहले क्वाड्रेंट में हैं। आप अगर इनका फिगर बनाना चाहेंगे तो इन दोनों बिंदुओं को कहाँ दिखाएंगे? पहले चतुर्थांश में ही आपको दिखाना है। पी 5.3 और क्यू 4.1 ये दोनों बिंदु हो गए, इन दोनों की बीच की दूरी आपको दिखाना है। तो देखिए पी क्यू सूत्र हमने पढ़ा, क्या अंडर रूट x1 के जगह पे 5, y1 के जगह पे 3, x2 के जगह पे 4, y2 के जगह पे 1 फार्मूला लगाइए। क्या फार्मूला था? x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर अंडर रूट क्या होगा? 5 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? ये अंडर रूट 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 5। यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना है? अंडर रूट 5, रूट 5। अब बच्चों एक चीज और जिसे आपने हाई स्कूल में पढ़ा है, अंतः विभाजन यानी इंटरनल इंटरसेक्शन, ये क्या होता है देखते हैं एक बार फिर। सपोज करिए कि दो बिंदु हैं, एक है P और एक है Q, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड PQ लिखा है। सपोज करिए कि P के निर्देशांक हैं x1, y1 और Q के निर्देशांक हैं x2, y2। एक तीसरा बिंदु कहीं बीच में है, इसको मैं M कह रहा हूँ। यह बिंदु M रेखाखंड PQ को M1 संबंधे M2 के अनुपात में काट रहा है। तो M बिंदु रेखाखंड PQ को M1 संबंधे M2 में काट रहा है। बिंदु M P और Q के बीच में है, इसलिए इसका नाम पड़ा अंतः विभाजन। अब हमें करना क्या है? बिंदु M के निर्देशांक ज्ञात करना है। सपोज करिए कि M के निर्देशांक हैं x, y। तो आपने सूत्र पढ़ा होगा हाई स्कूल में कि x का मान क्या होता है? M1 x2 प्लस M2 x1 और अपान M1 प्लस M2। साथ ही y का निर्देशांक आपने पढ़ा होगा कैसे? m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। आपको ये याद भी है हाई स्कूल में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक बार पुनः इसे दोहरा लेंगे और बढ़िया से समझ कर इसे याद कर लेंगे। अगली चीज बच्चों, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्वाड्रेंट ऑफ मीट पॉइंट। देखिए बिंदु P है
बिंदु Q है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा खंड PQ है। बिंदु P का निर्देशांक दिया गया है x1, y1। बिंदु Q का निर्देशांक दिया गया है x2, y2। ध्यान देंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक, हमें P और Q के ठीक बीच में एक बिंदु ज्ञात करना है, या यूं कहें हमें मिडिल में बीच में एक बिंदु M ज्ञात करना है जो PQ को बराबर अनुपात में काटता हो। पिछले आर्टिकल में यहाँ M1 M2 लिखा हुआ था, यहाँ ये दोनों बराबर है, यानी अगर हम चाहें तो एक संबंध एक भी कह सकते हैं। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि M के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो अगर M के निर्देशांक हम x, y मान लें, तो आपने इसको भी हाई स्कूल में पढ़ा है कैसे, x कितना होगा x1 प्लस x2 बटे 2, और y कितना था y1 प्लस y2 बटे 2। अंतः विभाजन वाले सूत्र में यदि m1 बराबर m2 कर दें तो बिंदु m ठीक बीच में आ जाएगा, यानी कि हम पिछले आर्टिकल में अंतः विभाजन वाले आर्टिकल में अगर m1 बराबर m2 कर दें तो ये सूत्र हमें प्राप्त हो जाएगा। इसे भी बच्चों आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। एक उदाहरण देखते हैं, बिंदुओं 7, 6 और 5, 8 के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक बिंदु क्या है P 7, 6, दूसरा बिंदु क्या है Q 5, 8। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से रेखाखंड मिलेगा PQ। इस PQ का मध्य बिंदु ज्ञात करना है, तो मध्य बिंदु मान लीजिए M, उसका निर्देशांक मान लीजिए x, y। तो अभी हम लोगों ने पिछले आर्टिकल में पढ़ा है मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा x1 + x2/2। तो क्या लिखेंगे, 7 + 5/2। y कितना था, y1 + y2/2, तो कितना 6 + 8/2। ये कितना मिलेगा, 7 × 5 = 12, 12/2 6 × 8 = 14, 14/2 कितना 7। तो मध्य बिंदु कितना हुआ, इसलिए मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, यम 6, 7 एक बात के ध्यान देंगे, ये P और Q किस चतुर्थांश में आ रहे हैं, पहले चतुर्थांश में आ रहे हैं। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे चतुर्थांश को समझना बहुत जरूरी है, बिंदु को देख के आप समझ जाएं कि यह बिंदु किस चतुर्थांश में है। अगली चीज जिसे भी आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, यहाँ तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए रहेंगे। मानिए कि हम त्रिभुज बनाते हैं कैसे, त्रिभुज है इसका एक शीर्ष है A, निर्देशांक है x1, y1, दूसरा शीर्ष है B, निर्देशांक है x2, y2, तीसरा शीर्ष है C, निर्देशांक है x3, y3। आपने हाई स्कूल में इसका सूत्र याद किया होगा, क्या, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 x1 y2 - y3 +
एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू। इस सूत्र को भी बच्चों दोहरा लीजिएगा। और इसके साथ एक जुड़ी हुई चीज आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में कि तीन बिंदु संरेख हैं, इसका क्या मतलब हुआ। देखिए, तीन बिंदु अगर संरेख हैं, संरेख मतलब कोलिनियर, मतलब वो एक ही रेखा में। सपोज करिए कि यहाँ एक बिंदु ए है, यहाँ बिंदु बी है, यहाँ बिंदु सी है। ये तीनों बिंदु आपको एक ही रेखा पे दिख रहे हैं, यानी ये संरेख हैं। अब आपसे पूछा जाए कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बताइए। जब तीनों बिंदु संरेख हैं तो कोई त्रिभुज बनेगा ही नहीं, और जब कोई त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा शून्य आएगा। तो आपने हाई स्कूल में यहाँ पढ़ा होगा कि तीन बिंदु संरेख कब होंगे, जब उन तीनों बिंदुओं से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो हो। तो आप इसे पढ़ चुके हैं, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सिद्ध कीजिए कि ये तीन बिंदु संरेख हैं, तो उन तीन बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अगर क्षेत्रफल शून्य आता है तो समझिएगा कि तीनों बिंदु संरेख हैं, और अगर तीनों बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य आएगा या निश्चित है। अब बच्चों, नई चीज जो आपके कक्षा 11 के कोर्स से है, क्या रेखा की ढाल या प्रवणता, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। स्लोप ऑफ ए लाइन, किसी रेखा की प्रवणता या ढाल क्या होता है। देखिए, यदि कोई रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा से वामावर्त दिशा में थीटा कोण बनाती हो, देखिए x अक्ष की धनात्मक दिशा की बात हो रही है, तो हम पहले x अक्ष और y अक्ष बना लें। ये x अक्ष, ये y अक्ष और ये मूल बिंदु। कह रहा कोई रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा से वामावर्त दिशा में, वामावर्त दिशा मतलब क्या, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, यानी एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। घड़ी की सुई कैसे चलती है, घड़ी की सुई ऐसे चलती, इधर चलती है। घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, यानी इसे हम लोग वामावर्त दिशा भी कहते हैं, मतलब हम इधर की बात कर रहे हैं। तो एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा से वामावर्त दिशा में, मतलब आपकी रेखा कुछ इस तरह से है, थीटा कोण बनाती हो तो थीटा को उस रेखा का झुकाव यानी इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन कहते हैं। यह रेखा एक्स अक्ष के धन दिशा से थीटा कोण बना रही है। ये बताइए कि इधर से कितना कोण बनाएगी, 180 माइनस थीटा। तो जो थीटा आपको ये दिख रहा है थीटा, इस थीटा को रेखा का झुकाव यानी इंक्लिनेशन कहते हैं, आप इसे याद रखिएगा। आगे कहा जा रहा है, तथा टेन थीटा को उस रेखा की प्रवणता या ढाल कहते हैं। ध्यान देंगे प्रवणता शब्द, इसे हम स्लोप कहते हैं। अब यह रेखा जो कोण थीटा बना रही है, इस थीटा कोण का आप टेन ले लीजिए, तो टेन लेने के बाद जो आपको टेन थीटा दिखाई देगा, यह टेन थीटा ही उस रेखा की प्रवणता कहलाते हैं। अतः यम बराबर टेन थीटा, जिसका सिंबल होता है प्रवणता का, वह होता है यम। एक बात और क्लियर है कि थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक है, थीटा का मान यहाँ देखिए एक्स एक्सिस, थीटा का मान जीरो होगा, और कहाँ तक, 180, यानी थीटा का मान यहाँ जीरो से 180 तक लिया गया है। कहाँ, परिभाषा देते समय। मान लीजिए कि कोई रेखा एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा से वामावर्त दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो उस रेखा का झुकाव कितना होगा, उस रेखा का झुकाव होगा थीटा बराबर 30 डिग्री। पूछा जाए उस रेखा की प्रवणता बताइए, तो प्रवणता कैसे बताएंगे, यम बराबर टेन 30 डिग्री, यानी कितना, 1/√3। बच्चों, आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा
कि प्रवणता आया क्यों, जरूरत क्यों पड़ी, हमारा काम तो कोण से ही चल जा रहा था। देखिए, हम अगर कहें कि एक रेखा एक्स अक्ष के धन दिशा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी वामावर्त दिशा में 30 डिग्री का कोण बना रही है, और हम फिर कहें एक रेखा की प्रवणता 1/√3 है, कहने में कौन आसान है? 1/√3 मतलब जिस चीज़ को हम दो लाइन में कहेंगे उस चीज़ को दो तीन शब्द में बोल देंगे क्या कि एक रेखा की प्रवणता 1/√3 है। 1/√3 प्रवणता कह देने से उस रेखा के बारे में यह जानकारी मिल जाती है कि वह रेखा एक्स अक्ष से किस एंगल पर झुका हुआ है। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रवणता की। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष के लिए एक्स अक्ष से कितना कोण बनाएगा? 0 डिग्री। तो यहाँ थीटा हो जाएगा 0, देयरफोर यम का मान कितना हो जाएगा? टेन 0, यानी यम का मान हो जाएगा कितना? 0। तो अब आप समझ रहे हैं कि एक्स अक्ष की प्रवणता कितनी होगी? एक्स अक्ष की प्रवणता होगी 0। अगर हम वाई अक्ष की बात करें तो वाई अक्ष के लिए थीटा कितना होगा? वाई अक्ष ये है, थीटा कितना होगा इसके लिए? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये वाई अक्ष एक्स अक्ष से 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो अगर इसका प्रवणता निकालें तो थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, यानी यम कितना हो जाएगा? टेन 90। और टेन 90 का मान कितना होता है? टेन 90 का मान होता है इनफाइनाइट, यानी वाई अक्ष के लिए टेन थीटा का मान इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी यम का मान इनफाइनाइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, एक्स अक्ष की प्रवणता 0 और वाई अक्ष की प्रवणता परिभाषित नहीं है या इन्फिनिटी आप बोल सकते हैं। प्रवणता निकालने के लिए एक्स अक्ष से बना हुआ कोण चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए आर्टिकल लिखा है उस रेखा की प्रवणता जिस पर दो बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 दिए गए हैं। रेखा एक्स अक्ष से कितना कोण बनाएगा यह नहीं दिया गया है, रेखा पर सिर्फ और सिर्फ दो बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं। देखिए मैं कैसे इसको निकालता हूँ। देखिए बच्चों, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ये मूल बिंदु है 0 0, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0, आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में। अब एक बिंदु मैंने लिया यहाँ पी और एक बिंदु लिया मैंने यहाँ क्यू। कहा गया है कि दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 दिए गए हैं। तो बिंदु P का निर्देशांक मैं मानता हूँ कितना? x1 y1, और Q का निर्देशांक मानता हूँ x2 और y2। रेखाखंड PQ को पीछे बढ़ाया गया है, यह रेखाखंड आगे जाके X अक्ष को मान लीजिए कि A पर मिलता है। अब यह रेखाखंड AQ X अक्ष से कितना कोण बना रहा है? ये कोण बना रहा है थीटा। अब आपसे पूछ दिया जाए इस रेखा की प्रवणता बताइए या रेखाखंड PQ की प्रवणता बताइए, तो क्या होगा? टेन थीटा। यानी अब हमें टेन थीटा के बारे में बात करनी है। एक काम करते हैं, बिंदु P से X अक्ष पे लंब डाल देते हैं और बिंदु Q से X अक्ष पे लंब डाल देते हैं। मान लीजिए कि P से डाला गया लंब X अक्ष पर B पे मिलता है और ये लंब एक्स अक्ष को सी पर मिलता है। बिंदु पी से इस रेखाखंड क्यू सी पे भी लंब डालते हैं, ये मान लीजिए जाके मिलता है इस रेखा को डी पर मिलता है। अब आपसे मैं कुछ निर्देशांक पूछूं तो मुझे विश्वास है आप बता लेंगे कि ये बताइए कि बी का निर्देशांक कितना होगा? x1 y का मान 0 क्योंकि x अक्ष पे है। C के निर्देशांक कितना होगा? x2
y का मान 0। ध्यान दीजिएगा ये q x2 y2 है, तो x अक्ष की दिशा में x2, y अक्ष की दिशा में y2। क्योंकि हम x अक्ष पे हैं इसलिए y कोऑर्डिनेट का मान यहाँ 0 हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि BC का मान बताइए, तो BC कितना होगा, x2 माइनस x1। ये डिस्टेंस इसके बराबर है इसलिए हम PD को लिख सकते हैं कितना, x2 माइनस x1। ध्यान दीजिएगा ये QC कितना है, y2। ये DC कितना है, y1। क्यों y1, ये डिस्टेंस y1 है तो ये डिस्टेंस भी y1 होगा। तो पूरा QC y2 और ये y1, तो QD कितना होगा, QD हो जाएगा y2 माइनस y1। अगली बात समझिए, ये थीटा है तो ये कितना होगा, ये भी थीटा होगा, ये एकांतक कोण से। अब सारी बातें क्लियर हो गई। अब हम बात करें कि ट्रायंगल PDQ में, PDQ में अगर हम tan थीटा ले लें तो कितना होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है QD और आधार कितना है PD, तो कितना हो जाएगा, ये दिख रहा है कितना, y2 माइनस y1 और अपान x2 माइनस x1। यानी कि हमारी प्रवणता कितनी हो गई, देयरफोर m बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है ये कि अगर दो बिंदु दिए गए हैं उन दोनों बिंदुओं को किसी रेखाखंड से मिलाया जाए और उस रेखा का प्रवणता निकाला जाए, उसका सूत्र है m बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। इसको और स्पष्ट करने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। बिंदुओं माइनस सात कामा माइनस दो और माइनस एक कामा चार से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात करें। यहाँ पर P कितना है, माइनस सात कामा माइनस दो और Q कितना है, माइनस एक कामा चार। आपको इसी रेखाखंड PQ की प्रवणता निकालनी है। ध्यान देंगे ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो प्रवणता m कितना होता है, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 मतलब कितना, चार माइनस माइनस दो, कितना हो जाएगा, चार माइनस माइनस दो अपान x2 माइनस x1, माइनस वन माइनस माइनस सात, तो माइनस वन माइनस माइनस सात कितना हो जाएगा अंश में, छः और नीचे हो जाएगा छः यानी एक, तो क्या होगा, देयरफोर यम बराबर एक। बच्चों अब आपसे सवाल कैसे और पूछा जाता है, इस प्रश्न का तो उत्तर आ गया एक, लेकिन अब आपसे यह पूछ दिया जाए कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा PQ x अक्ष से कितने डिग्री का कोण बनाएगा। देखिए m का मान आ गया एक, तो tan थीटा का मान आ गया एक, तो थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। यानी इस प्रवणता से हम यह बता सकते हैं क्या, दिस इंप्लाई m बराबर tan थीटा बराबर एक यानी थीटा बराबर 45 डिग्री। इसमें कहीं कोण की बात नहीं की गई थी, लेकिन प्रवणता वो फैक्टर है जिसकी वजह से हमने यह पता लगा लिया कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा x अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाएगी। आगे बढ़ते हैं और आपके लिए एक गृह कार्य दे रहे हैं, आपके सामने गृह कार्य लिखे हैं, तीन प्रश्न हैं, तीनों ही प्रश्न
आज हम लोगों ने जो पढ़ा है, जो सीखा है, उसी पे आधारित हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन तीनों प्रश्नों का सलूशन यानी जवाब आप बड़े आसानी से निकालेंगे। बहुत जल्द हम सरल रेखाओं के द्वितीय भाग के साथ प्रस्तुत होंगे। ओके, थैंक यू।